बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की. इफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम एनी पॉइंट विद इन एन एंगल ऑन इट्स आर्म्स आर कॉन्ग्रुएंट, प्रूव दैट इट लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल. देखिए इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से समझना. आपको एक एंगल गिवन है, ओके लेट से ये आपका एंगल है जिसको मैंने नाम दिया एंगल ए बी सी, ठीक है. इसके बाद यहां पर देखिए, इफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम एनी पॉइंट विद इन एन एंगल, यानी कि लेट से ये आपका पॉइंट है, यहां से इस एंगल के अंदर से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई हैं, लेट से एक ये हो गई और एक ये हो गई, ठीक है. तो ये दो परपेंडिकुलर आपकी यहां पर बन चुकी है. इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया पी पॉइंट. इसके बाद देखिए, ऑन इट्स आर्म्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये दोनों की दोनों आपकी आर्म्स इक्वल होंगी. इस पॉइंट को मैंने लिख दिया एम और इस पॉइंट को मैंने लिख दिया एन, ओके. और लास्ट में आपको प्रूव करना है इट लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल. देखिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बारे में बोला है कि ये लाई करता है एक बाइसेक्टर पर, यानी कि अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये आपका बनना चाहिए एक एंगल बाइसेक्टर, या मैं बोल सकता हूं ये एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि जो एपी लाइन है ये आपकी एंगल बाइसेक्टर है. तो चलिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर लेते हैं. इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको आरएचएस रूल अप्लाई करना है. देखिए किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे. आपको दो ट्रायंगल लेने हैं जिनको आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, और वो ट्रायंगल कौन कौन से होंगे. आपके ट्रायंगल होंगे, यू कैन टेक ए पी एम, ओके. आपके दो ट्रायंगल हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ओके. एंड ट्रायंगल ए पी एन. अब यहां पर देखिए, जो ए पी लाइन है ये आपकी कॉमन लाइन होगी, तो आप लिखेंगे ए पी इज इक्वल टू ए पी, ओके. ये आपकी कॉमन है, या आप बोल सकते हो कॉमन हाइपोटेन्यूज. इसके बाद आप बोल सकते हैं एंगल, देखिए ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, दोनों ही 90 डिग्री के एंगल हैं, ओके. तो ये एंगल होंगे आपके पी एम ए इज इक्वल टू एंगल पी एन ए इज इक्वल टू 90 डिग्री विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, ओके. इसके बाद देखिए टी एन इज इक्वल टू टी एम, ये जो साइड है ये पी एन के बराबर होगी. ये भी क्वेश्चन में आपको गिवन है, विद इन एन एंगल ऑन इट्स आर्म्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है. ये जो आर्म्स हैं ये दोनों की दोनों बराबर हैं, तो ये आपका राइट एंगल होगा, ये आपकी साइड होगी और ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा. तो देखिए आर एच एस, इसका सिंपल सा मतलब है आप यहां पर लिखेंगे बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल यू कैन से ट्रायंगल ए पी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए पी एन, ओके. नाउ यू कैन से, जब आपके दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं उसके बाद आप बोल सकते हो विद द हेल्प ऑफ सीपीसीटी ये दोनों एंगल भी आपके बराबर होंगे, है ना. तो आप लिखेंगे देयरफॉर एंगल एम ए पी इज इक्वल टू एंगल एन ए पी, ओके, सी पी सी टी. हेंस यू कैन से ए पी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, और यही आपको प्रूव करना था, ओके. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की. इन फिगर 12.100 ए डी इज परपेंडिकुलर टू सी डी एंड सी बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी. इफ ए क्यू इज इक्वल टू बी पी एंड डी पी इज इक्वल टू सी क्यू,
प्रूव दैट एंगल DAQ इज इक्वल टू एंगल CBP. तो देखिए ये आपकी फिगर है 12.100, इसमें आपको गिवन है AD जो है वो परपेंडिकुलर है CD के, यानी कि ये आपकी लाइन है AD, ये परपेंडिकुलर है CD के. इसके बाद CB इज परपेंडिकुलर टू CD, तो CB आपकी ये वाली लाइन है और यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल बनाती है CD पर. इसके बाद इफ AQ इज इक्वल टू BP, देखिए AQ लाइन आपकी ये है तो ये इक्वल है BP के और BP लाइन आपकी ये वाली है. एंड DP इज इक्वल टू CQ, देखिए DP आपकी ये वाली लाइन होगी बहुत छोटी सी, ठीक है, ये किसके बराबर है, QC के बराबर है. अब आपको प्रूव करना है एंगल DAQ, यानी कि DAQ ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, एंगल CBP, देखिए CBP. तो चलिए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं. इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको क्या करना है, दो ट्रायंगल्स लेने हैं और उनको कोंगरेंट प्रूव करना है. तो कौन कौन से वो आपके ट्रायंगल होंगे, देखिए इन ट्रायंगल DAQ एंड ट्रायंगल CBP, तो ये आपके दो ट्रायंगल होंगे DAQ और CBP. इसमें क्या क्या करेंगे आप, देखिए एंगल ADQ इज इक्वल टू एंगल BCP इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो देखिए ये आपका एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल भी आपका 90 डिग्री है. इन दोनों ट्रायंगल्स में दोनों एंगल सेम है ना. इसके बाद आप बोल सकते हो DP इज इक्वल टू CQ, देखिए DP जो है वो QC के बराबर है या फिर CQ आप इसको बोल सकते हो, दिस इज गिवन. देखिए DP को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं इसमें ऐड कर दूं PQ, अब PQ जो है वो दोनों ट्रायंगल्स में, आप थोड़ा ध्यान दें, अगर मैं दोनों ट्रायंगल्स को यहां पर ड्रॉ कर दूं इस तरीके से, तो आपको यहां पर दिखाई देगा जो PQ है, ओके यहां पर इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं. देखिए PQ जो है वो कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में, ये आपका ट्रायंगल होगा ADQ और ये होगा आपका CBP, है ना. तो PQ जो है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है ना. अगर मैं यहां पर ड्रॉ कर दूं DP प्लस PQ और CQ में भी अगर मैं PQ ऐड कर दूं तो आपका PC लाइन बन जाएगा, कौन से ट्रायंगल का, CBP का. और DAQ में अगर मैं PQ ऐड कर दूं यहां पर DP में, तो ये आपका DQ पूरा कंप्लीट लाइन बन जाएगा जो कि आपका बेस होगा, तो ये हो जाएगा आपका CQ प्लस PQ. तो देखिए ये हमने क्यों किया है, PQ जो है वो आपका मेजरमेंट दोनों ट्रायंगल्स में ही सेम होगा, है ना, कॉमन है, एक ही मेजरमेंट है, चाहे आप इस ट्रायंगल में लो या फिर इस ट्रायंगल में लो, आपका लेंथ का वैल्यू चेंज नहीं होगा, है ना, जो मेजरमेंट है वो वही रहेगा. इसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है AQ इज इक्वल टू PP, तो आप यहां पर लिख देंगे AQ इज इक्वल टू BP विच इज गिवन, ओके. नाउ यू कैन से विद द हेल्प ऑफ बाई RHS रूल यू कैन से ट्रायंगल DAQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBP, है ना, दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्यों, एक एंगल हो गया आपका राइट एंगल. इसके बाद देखिए ट्रायंगल DAQ में अगर आप DP प्लस PQ करते हैं, DAQ ट्रायंगल में DP प्लस PQ करते हैं, तो ये आपकी कंप्लीट लाइन बन जाएगी DQ, है ना. और अगर आप ट्रायंगल CBP में CQ प्लस PQ करते हैं, QC प्लस PQ करते हैं, तो आपका ये लाइन बन जाएगा PC, ओके. और AQ इज इक्वल टू BP तो आपको गिवन है, ये आपका होगा हाइपोटेन्यूज. तो जैसे ही आपके दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं, उसके बाद आप बोल सकते हो देयरफोर एंगल DAQ
इज इक्वल टू एंगल सी बी पी. कैसे? विद द हेल्प ऑफ सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स.